नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एशिया कप से पहले अब सुबुगाहट चलनी शुरू हो गई कि भाई कौन सी टीम जाएगी, क्या प्लेइंग 11 होगी, किस टीम को खिलाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक सवाल और खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है कि भाई साहब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, आप लोगों को पता है कि ये दो ऑलराउंडर टीम इंडिया में खेलने वाले हैं, तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, इन दोनों के अलग वो तीसरा ऑलराउंडर कौन होगा जो टीम इंडिया में खेलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक टीम आगे बढ़ रही है तो तीन ऑलराउंडर्स का नाम सामने आ रहा है। तीन ऑलराउंडर्स की चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के अलग इन तीन ऑलराउंडर्स में से किसी एक को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। अब वो तीन ऑलराउंडर कौन से हैं और किसको मौका मिलना चाहिए, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दरअसल आप लोगों को पता है कि इस वक्त शार्दुल ठाकुर जो बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी करने में शार्दुल ठाकुर के बारे में आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद से अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा विकेट चटका है। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर की रही है वनडे क्रिकेट में, खासतौर पर मैं बताता हूं टीम इंडिया के लिए। इसीलिए शार्दुल ठाकुर तेज गति के ऑलराउंडर हैं, वक्त पड़ने पर नीचे बल्लेबाजी भी तेज रफ्तार से कर सकते हैं, तो शार्दुल ठाकुर एक पहले कंसिस्टेंट है। उसके बाद में दूसरे हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी इस रेस में लगातार बने हुए हैं। अक्षर पटेल भी गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो अक्षर पटेल भी इस रेस में बने हुए हैं कि वो भी स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अपना नाम बना रहे हैं। तीसरे हैं अश्विन। अश्विन भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं, स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं निचले क्रम पर, और टीम इंडिया के लिए एक बेहतर उपयोगी गेंदबाज साबित हो सकते हैं। भारतीय पिचों पर अच्छी गेंदबाजी अश्विन करते भी हैं। तो यहां पर इन तीन गेंदबाजों को लेकर लगातार बातें चल रही हैं कि इन तीन में से कौन एक गेंदबाज खिलाड़ी वो हो जो ऑलराउंडर के तौर पर तीसरे ऑलराउंडर की भूमिका निभाएगा। अब जो चर्चा चल रही है उस चर्चा के हिसाब से देखिए, शार्दुल ठाकुर जो है वो तेज गति के ऑलराउंडर हैं। टीम इंडिया का जो अभी तक हालात बन रहे हैं वो रविंद्र जडेजा के साथ साथ चहल और कुलदीप यादव, ये दोनों शायद जा सकते हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ, और एक वक्त में टीम इंडिया दो ही स्पिनर को खिलाएगी। तो ऐसे में अक्षर पटेल को मौका मिलना मुश्किल है क्योंकि दो ही स्पिनर एक साथ खेलेंगे। तो ऐसे में टीम इंडिया, जो बातें लगातार चल रही हैं कि भाई शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है क्योंकि शार्दुल ठाकुर तेज गति के ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी में उनकी महारत हासिल है, वे बीच के ओवर्स में आकर विकेट चटकाते हैं, बहुत कमाल की वेरिएशंस उनके पास है, 130-135 की रफ्तार से गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करते हैं बीच के ओवर्स में, डेथ ओवर्स में भी थोड़ा सा अच्छा प्रभाव वो डालते हैं। तो इसीलिए जो चर्चा इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पर या फिर टीम इंडिया के अंदर, वो यही है कि भाई तेज गेंदबाजी के तौर पर हार्दिक पांड्या का कोई एक सपोर्टर शार्दुल ठाकुर के तौर पर हो, मोहम्मद सिराज, शमी और बुमराह और लेडी टीम में रहेंगे, तो ऐसे में टीम इंडिया का तेज गेंदबाजी कोर मजबूत हो जाएगा। तो ये टीम इंडिया की चर्चा है। लेकिन आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से इन तीन ऑलराउंडर्स में से किस ऑलराउंडर को टीम इंडिया में खिलाना चाहिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।